स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ हनु सिंह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा वापिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संसद भवन में पीएम मोदी से की मुलाकात, दोनों दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, महंगाई को लेकर नारेबाजी की। संसद भवन परिसर में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हुए शामिल। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किया नामांकन, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी, 12 जनपद में है घर, इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल हो रहा समाप्त। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,528 नए मामले रिपोर्ट किए गए, 25 मरीजों की जान गई, 16,113 लोग रिकवर हुए। गुजरात में भारी बारिश के बाद तापी नदी पर बने उकाई डैम के गेट खोल दिए गए हैं, 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़ने जाने की वजह से कुछ लोग सैलाब में फंसे, देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में अकोला के गांधी ग्राम में पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई, नदी के पुल पर 7 से 8 फीट बह रहा है पानी, अकोला अकोट सड़क बंद, प्रशासन की तरफ से सफर न करने की अपील। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से हालात बेकार, समुद्रपुर और हिंगड़घाट इलाके में कई गांव पानी में डूबे, स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगातार जुटी है। महाराष्ट्र के ठाणे में साकेत ब्रिज और खारेगांव ब्रिज पर गड्ढों के कारण कई जगह पर ट्रैफिक जाम हो गया, माझीवाड़ा के पाटलल्ली पड़ाव पर पहुंची वाहनों की कतार। पैरोल मिलने के बाद चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 10 साल बाद किया गिरफ्तार, नाम बदलकर नजफगढ़ में रह रहा था आरोपी। दिल्ली में एंटी नार्कोटिक सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्कर के बड़े मामले का खुलासा किया है, करोड़ों की ड्रग के साथ 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। कैबिनेट से 55 प्रस्ताव पास हुए, 18 नई नगर पंचायतों का गठन फिर से होगा, 20 नगर निकायों की सीमा विस्तार का फैसला भी लिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों पर सीएम योगी और सख्त, सूत्रों के मुताबिक एचओडी मनोज गुप्ता समेत 3 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, ईएनसी राकेश सक्सेना, स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव पर भी की गई कार्रवाई। सीएम योगी की सख्ती के बाद लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन हुआ, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, नमाज पढ़ते वीडियो हुआ था वायरल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए किसी का लुटेरा बन जाना सरकार की विफलता है, इस घटना के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही चाहिए। मेरठ में वाहन कटान माफिया अजरुद्दीन की करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर करेगी पुलिस, शाकिब उर्फ दद्दू गैंग का सक्रिय सदस्य है अजरुद्दीन। उन्नाव में पुलिस से हाथ छुड़ाकर भागा अपराधी, रायबरेली का हिस्ट्री शीटर अपराधी हरेंद्र सिंह का भागते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपराधी भागा और देखती रही पुलिस की टीम, हिस्ट्री शीटर पर उन्नाव के बिहार इलाके में दर्ज है केस, डिहगा गांव में पूरा ये मामला सामने आया। गाजियाबाद में कार भिड़ने पर भाजपा नेता पर युवक ने तानी पिस्टल, भीड़ बढ़ने पर युवक मौके से फरार हुआ, ब्रेक मारने के बाद कार से हुई थी टक्कर। इलाके के इंद्रगढ़ी के पास की घटना, भाजपा नेता ने युवक के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट, भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री हैं अनुराग कौशिक। नशे के सामान की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ, जैसे कि 6 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एलपीजी के कैप्सूल टैंकर में छिपाकर ले जा रहे थे 25 क्विंटल गांजा, एसीएस होम ने एसटीएफ टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रतापगढ़ के जिला जेल में कैदियों से होती है वसूली, बिना पैसों के बंदियों से मुलाकात नहीं होने देते हैं जेल कर्मचारी, जेल कर्मचारी का मुलाकात के लिए पैसे लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कार का टैंक फुल कराकर भागे कार सवार, पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं दिए पैसे, पंप मैनेजर ने 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर।
पीलीभीत में थाने में भाजपा नगर अध्यक्ष के कार्यकर्ता के साथ हंगामा। थाना अध्यक्ष को जमकर सुनाई गई खरी खोटी। समर्थक को हिरासत से छुड़ाने पहुंचे थे भाजपा। गाजियाबाद में रोडरेज में भाजपा नेता पर युवक ने ताने पिस्तल। किसान मोर्चा के महामंत्री अनुराग कौशिक पर ताने बंदूक। गाड़ी टकराने पर युवक ने उतर कर लहराई पिस्तल। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर दिया गया धरना। 2016 की 12,460 भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की मांग। लखनऊ के जवाहर भवन में कर्मचारियों ने किया उग्र प्रदर्शन। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और एरिया इंस्पेक्टर ने किया प्रदर्शन। जवाहर भवन का गेट बंद कर गाड़ियों की एंट्री रोकी। कानपुर के कलकतगंज बाजार में व्यापारियों ने किया हंगामा। फूड अधिकारी का विरोध किया गया। चेकिंग के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया। कहा कि लाइसेंस के नाम पर किया जा रहा परेशान। नोएडा में शहर में कई जगह घंटों बिजली रही गुल। सेक्टर 108 में बिजली सब स्टेशन में ओवरलोड के चलते केबल में हुआ ब्लास्ट। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद लाइन ठीक हुई। आजमगढ़ में धक्का मार एम्बुलेंस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सीएमओ ने दी है सफाई। शनिवार शाम मरीज के तीमारदारों का एम्बुलेंस को धक्का मारने का वीडियो वायरल हुआ था। हापुड़ में 2 छात्राओं के जबरन ड्रेस उतरवाने के मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। धौलाना ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला। देहरादून में डीएम ने आपदा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सभी तहसीलों में बनाए गए हैं कंट्रोल रूम। को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट रहने को कहा गया। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक। रेस्क्यू टीमें कर रहे हैं युवक को बचाने की कोशिश। पानी भरने गया था युवक, पैर फिसलने से हादसा। उत्तरकाशी की मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना में 12 दिन से नहीं हो रहा है बिजली उत्पादन। सरकार को हो रहा है करोड़ों रुपयों का नुकसान। भागीरथी नदी में गाद आने की वजह से नहीं हो रहा बिजली का उत्पादन। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते उफान पर बरसाती नाले। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं लोग। जरूरत का सामान लेने जाने के लिए जोखिम भरा सफर करने को मजबूर। चंपावत के टनकपुर इलेका में किरोड़ा नाले में वही स्कूल की बस बच्चों को लेने जा रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूद कर बचाई जान। हादसे के दौरान बस में सवार नहीं था कोई भी छात्र। हर साल बारिश में किरोड़ा नाला बनता है हादसों की वजह। बारिश के चलते उफान पर रहता है किरोड़ा नाला। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर गिरा विशाल पेड़। सुंदरखाल गांव के पास पेड़ गिरने से हाईवे बाधित हो गया। लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। रामनगर के धनगढ़ी बरसाती नाले में फिर से आया उफान। सड़क पर पानी आने से लगा लंबा जाम। गाड़ियों को निकालने के लिए ली जा रही जेसीबी की मदद। पिथौरागढ़ में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। बीते दिनों बिरती इलाके में यहां बारिश के चलते टूट गया था पुल। नदी के बीच से गाड़ी ले जा रहे हैं लोग। पिथौरागढ़ में जौलजीबी बरम मोटर मार्ग पर बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। उफान पर बह रही है नदी। तेज बहाव से भूकटाव का खतरा बढ़ा। चक्राता के कालसी ब्लॉक में बारिश नहीं होने से परेशान किसान। किसानों की फसलें सूखने की कगार पर पहुंची है। रोजी रोटी के लिए किसानों को करनी पड़ रही है मशक्कत। हल्द्वानी में मौसम विभाग की चेतावनी का दिखा असर। सुबह से ही हो रही है बारिश। तापमान में आई गिरावट। नैनीताल जिले में अलर्ट पर प्रशासन। नैनीताल जिले में रुक रुक कर हो रही है भारी बारिश। एसडीआरएफ और पुलिस आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट पर है। कल तक किसी को भी नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई। कोटद्वार में भी सुबह से ही लगातार जारी है मूसलाधार बारिश का दौर। सड़कों पर बह रहा है पानी। जल भराव के चलते घरों में कैद हुए लोग। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 और 21 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कांवड़ मेले में शिवभक्तों की बढ़ने लगी है तादाद। रुड़की में कांवड़ पटरी समेत हाईवे पर कांवड़िए दिखाई दिए। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस फोर्स अलर्ट हुआ। मुजफ्फरनगर में 3.5 फीट का शिवभक्त बना है चर्चा का विषय। हरिद्वार से गंगा जल भरकर ला रहा है कांवड़। राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है पंकज नाम का एक कांवड़िया। सहारनपुर में डीएम और एसएसपी ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। कांवड़ियों की सुरक्षा और पुलिस के इंतजामों का जायजा भी लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुजफ्फरनगर के अंदर लेट कर कांवड़ लाते हुए शिवभक्त बना है चर्चा का विषय। अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से जल भरकर लेट कर कांवड़ ला रहा है ओपल कुमार। गाजियाबाद के मुरादनगर का रहने वाला है ओपल कुमार। मेरठ
में कांवड़ यात्रा पर हाईटेक कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। करीब 200 नाइट विजन कैमरों से लैस है कंट्रोल रूम। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बड़ा फैसला, आज से मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के सभी स्कूल 27 जुलाई तक बंद। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ई बसों के संचालन पर 26 जुलाई तक लगाई गई है रोक। गाजियाबाद के कौशाम्बी से मोदी नगर तक चलने वाली बसों पर रोक लगाई गई। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट काफी धूम मचा रही है। कश्मीर फाइल्स फिल्म और बुलडोजर वाली टी शर्ट भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। लखीमपुर खीरी में बीएसएफ ने सुनाया अजीबो गरीब फरमान। कांवड़ियों की सेवा में लगाई टीचर्स की ड्यूटी, आदेश वायरल होने के बाद बीएसएफ ने दी सफाई। कांवड़ यात्रा को लेकर टीहरी के डीएम ने दिए निर्देश। पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने और पार्किंग में लाइट की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए रूट में खाने पीने का ध्यान रखने को भी कहा गया। सहस्त्र धारा से पदयात्रा पहुंची बाबा बागनाथ मंदिर, श्रद्धालुओं ने सरमुल के जल से किया भगवान शिव का जलाभिषेक। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने डीएम रीना जोशी से मिलकर उन्हें मां सरयू का चित्र भेंट किया। क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर अहम स्थान दिलाने का सहयोग भी मांगा। सोने की तरह चमकता दिखा बद्रीनाथ मंदिर, अब तक करीब 1,72,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के दर पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने सावन के पहले सोमवार पर बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सोमवार को 6,857 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, अब तक 8,89,014 श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। चित्रकूट में ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसलने से रेलवे ट्रैक पर गिरा शख्स, ऊपर से गुजर गई पूरी की पूरी ट्रेन, शख्स को आई मामूली चोटें, वीडियो वायरल। ट्रेन गुजरने के बाद मौके पर मौजूद युवकों ने यात्री को रेलवे ट्रैक से उठाया। एम्बुलेंस की मदद से शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ललितपुर का रहने वाला है राजा राम यादव। बागपत में हेलमेट लगाकर जर्जर बस चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। लोनी डिपो के एआरएम ने शुरू की है जांच। हादसे में टूटा था बस का शीशा। बस का शीशा ठीक कराए बिना हेलमेट लगाकर बस चला रहा था ड्राइवर। जांच के बाद चालक के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। एटा में कानपुर से मेरठ जा रही रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार। किसी जानवर से टकराकर पलटी रोडवेज बस, एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, 14 घायल। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार तीन कांवड़ियों को टेम्पो ने मारी टक्कर, पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती, दो कांवड़ियों की मौत। गुप्तकाशी से हरिद्वार जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, 21 यात्री हुए घायल। बस में सवार थे 31 यात्री और 2 बच्चे। आगरा में न्यू दक्षिणी बाईपास पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बारिश में सड़क के किनारे कटान हुआ, 450 करोड़ रुपए की लागत से 2016 में बनी थी सड़क। रात में हाईवे पर बने गड्ढे और भी ज्यादा हो जाते हैं खतरनाक। तकरीबन 32 किलोमीटर लंबा है ये न्यू दक्षिणी बाईपास। हाल ही में एक शख्स की गड्ढे में गिरकर जान भी जा चुकी है। चमोली के हेलंग में पुलिस और आईटीबी के जवानों ने महिला से छीनी घास की गठरी। प्रतिबंधित इलाके से महिला ने काटी थी घास। 2 दिन पुरानी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चमोली में महिलाओं से घास छीनने के मामले में विधायक उमेश कुमार ने सीएम धामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बंदरों का आतंक दिखाई दिया। डासना सीएससी में काफी तादाद में पहुंच रहे हैं बंदरों का शिकार हुए मरीज। लोगों को बंदरों के आतंक से मुक्ति नहीं दिला पा रहा है डासना नगर पंचायत। सुल्तानपुर में भाजीपा के जिला अध्यक्ष के भतीजे को बदमाशों ने मारी गोली। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार बाइक सवार बदमाशों की तलाश जारी। पीलीभीत में एक युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोस्त ने ही घर बुलाकर युवक को परिवार के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। कुशीनगर में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी की 28 बाइकें इनसे बरामद की गई है। यूपी और बिहार तक फैला था गिरोह का नेटवर्क। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 1,00,000 का इनामी बदमाश उमर हुआ घायल। जवाबी कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी घायल। लखनऊ में 25 जून को हुई रेलवे के ठेकेदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बिहार के चंपारण के रहने वाले कलमेश जायसवाल को किया गया गिरफ्तार। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश बताया जा रहा है कमलेश।
हमीरपुर के थाना सुमेरपुर कस्बे में 3 दिन तक चली छापेमारी। पुलिस ने पान मसाला माफिया समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आने की आशंका। पुलवामा में शहीद सीआरपीएफ के सूबेदार विनोद कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। यहां दतुनगला पैतृक गांव में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने पर गमगीन हुआ माहौल। बाराबंकी में ईंट भट्टों को बंद करने को मजबूर हुए ईंट भट्टा मालिक। सरकार की ओर से लगाए जा रहे टैक्स की बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। समस्याओं को नहीं सुनने पर देशव्यापी हड़ताल की दी चेतावनी। सोनभद्र में बिजली कटौती से परेशान लोग। जिले में गांव में 10 घंटे और शहर में 18 घंटे बिजली की सप्लाई। बिजली कटौती के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। कानपुर में सीमांचल एक्सप्रेस से लोकल ब्रांड का पानी अधिकारी ने किया जब्त। अवैध वेंडर लोकल ब्रांड का पानी छोड़कर हुआ फरार। लगातार मिल रही थी खामियां। मथुरा में महंत महेंद्र गिरी ने किया ऐलान। 8 अगस्त को ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर करेंगे रुद्राभिषेक। प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने पर 18 लाख नागा साधुओं के साथ करेंगे ज्ञानवापी के लिए पूछ। गाजीपुर दौरे पर आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु ने आयुर्वेदिक औषधीय पौधों को लगाया। अपने पैतृक गांव सिधौना पहुंचे थे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री ने कहा कि किसान अगर औषधि खेती करेंगे तो उनसे कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। औषधीय पौधों की खेती को आमदनी का बेहतर जरिया बताया। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 1 हफ्ते तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। जोशीमठ के पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब पहुंची 97 साल की हरवंत कौर। हेमकुंड साहिब पहुंचते ही भावुक हुई 97 साल की महिला श्रद्धालु। झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है हरवंत कौर। कर्णप्रयाग में आईटीबीपी जवान भूपेंद्र सिंह को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गैरसैंण में पैतृक घाट रामगंगा नदी किनारे जवान का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आपसी झगड़े में आईटीबीपी का जवान शहीद हो गया। श्रीनगर में प्राइवेट कॉलेज में सामने आया ठगी का मामला। एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर नोएडा के अंदर एक एजेंसी ने की ठगी। एक डॉक्टर से हड़प लिए 31,26,000 रुपए। पौड़ी में जिला योजना के तहत आवंटित हुआ बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं विभाग के अधिकारी। डीएम को खर्च का ब्यौरा नहीं करवा पा रहे मुहैया। फटकार से बचने के लिए कई अधिकारी बैठक से नदारद। गोंडा में परिवार नियोजन के नाम पर खेल। परिवार नियोजन की किट सप्लाई में की गई खानापूर्ति। शिकायत के बाद संयुक्त निदेशक ने सीएमओ से जवाब तलब किया। गोंडा में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 2 मोटर पंप और चोरी की 5 बाइकें बरामद की। बाइक की नंबर प्लेट बदलकर बेचने का काम करते थे शातिर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में। अधिकारियों के साथ जिला योजना की बैठक भी उन्होंने की है। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की। पौड़ी के डीएम ने श्रीनगर के रोडवेज बस अड्डे का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में जुटी संस्था को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। ठेकेदार को ज्यादा से ज्यादा मजदूर काम में लाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई है रणनीति। पहले चरण में भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मजबूत कैंडिडेट के नामों पर पैनल तैयार किया जाएगा। मऊ में 45,000 रुपए के विवाद में युवक की हथौड़ा मारकर हत्या। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी तहरीर दी गई। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।